अतरंगी रे और रक्षाबंधन के बाद फिर से साथ काम करेंगे अक्षय और आनंद। क्या है आनंद और अक्षय की आगे की प्लानिंग? हाल ही में अतरंगी रे का ट्रेलर रिलीज हुआ जिससे हर जगह से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अतरंगी रे के बाद रक्षाबंधन में ये जोड़ी फिर से अपना दम दिखाने वाली है, लेकिन इसी बीच कुछ खबरें सामने आ रही है कि इन दो फिल्मों के बाद आनंद अक्षय के साथ तीसरी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अक्षय के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर बात करते हुए आनंद एल राय ने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा, अक्षय कुमार की सादगी बहुत आकर्षक है, उनकी सच्चाई और ईमानदारी मुझे एक डायरेक्टर के रूप में प्रेरित करती है, जिस वजह से मैं फिर से उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं आज तक जितने भी एक्टर से मिला हूँ, अक्षय में से सबसे सरल अभिनेता है। भाई आनंद की बातों ने ये क्लू कहीं ना कहीं दे दिया है कि आज नहीं तो कल रक्षाबंधन के बनने से पहले या फिर रिलीज होने के बाद वो दोबारा अक्षय के साथ काम जरूर करेंगे। बाकी तो ये नई जोड़ी कितनी हिट साबित होती है वो जल्द ही आप सभी को पता चल जाएगा, जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी अक्षय कुमार और आनंद एल राय की अतरंगी रे। वैसे तो अक्षय के पास इस समय कई सारी फिल्में पहले से ही मौजूद है। वो अभी हाल फिलहाल राम सेतु की शूटिंग में बिजी हैं, जिसके बाद वो माय गॉड के दूसरे पार्ट को पूरा करेंगे। वहीं अक्षय की फिल्मों के रिलीज की लाइन लगी हुई है। जहां बीते कुछ टाइम पहले ही बेल बॉटम और सूर्यवंशी रिलीज हुई है, वहीं अगले महीने अतरंगी रे, तो अगले साल पृथ्वीराज चौहान, बच्चन पांडे जैसी कई और जबरदस्त मूवीज की एंट्री बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलने वाली है। वेल, आप अक्षय की किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बी टाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियां, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।